हेलो गाइस, फैक्ट नंबर 5। आप इनको अच्छी तरह से जानते होंगे। भारत में इनको लोग दो नामों से जानता है। अगर आप बंगाली हैं तो जानते होंगे इनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर। अगर आप बंगाल से नहीं हैं तो आप इन्हें जानते होंगे कि इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन इनका असली नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। अगर आप ये सोच रहे हो कि इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर किसने रखा, तो मैं आपको बता दूं कि इनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर और अंग्रेज जब इनको पुकारते थे तो वो ठाकुर लफ्ज जो है अंग्रेजों का जुबान में नहीं आता था, इसलिए टैगोर टैगोर करता था। आपको अच्छी तरह से पता है कि अंग्रेजी जुबान कैसा होता है, हिंदी बोलना तो दूर की बात, वो बंगाली कैसे बोलेंगे। At the world's largest cricket stadium right here in Ahmedabad. In Ahmedabad. You are not just the pride of Gujarat. Gujarat, as the great religious teacher Swami Vivekanand. Swami Vivekanand once said. इसीलिए इनका नाम दुनिया जानता है रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन इनका नाम ओरिजिनल नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर, और रविंद्रनाथ ठाकुर एक बंगाली था। फैक्ट नंबर 4। पूरे भारत में आप कहीं पर भी घूम लो, आपको ट्रम्प कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बंगाल जाते हो तो अभी भी आपको रास्ते पर दौड़ते हुए ट्रम्प जरूर दिखेंगे। लेकिन ट्रम्प की सवारी जो है बहुत कम लोग करते हैं, वो इसलिए अगर आप पैदल चलोगे तो ट्रम्प से पहले पहुंचोगे। फैक्ट नंबर 3। बंगालियों को आप कोई भी बात आसानी से नहीं मनवा सकते, यानी बंगाली किसी के ऊपर तुरंत भरोसा नहीं करता है। जब तक उसे ये पता ना चले कि ये पूरी तरह से सच कह रहा है, तब तक आपकी बात वो नहीं मानने वाला, और इसीलिए बंगालियों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। फैक्ट नंबर 2। बंगाल की कुल आबादी में से 10% आबादी हिंदी भाषी है, यानी हिंदी में बात करता है। फैक्ट नंबर 1। पूरे भारत में सबसे ज्यादा नोबेल विजेता बंगाली है, और भारत के राष्ट्रीय संगीत जनगण मन ये बंगाली में गाया गया था, और आज भी पूरा भारत इसे बंगाली में ही गाता है। और आखिर में मैं आपको एक बात बता दूं, बंगाल के सबसे बड़ा उत्सव यानी सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा उत्सव यानी दुर्गा पूजा जिसे कहा जाता है,